हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉपर का वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। 1 किलोमीटर वायर या 2 किलोमीटर जितना भी हम वायर बनाएं उसमें कितना कॉपर हमारा यूज होगा। तो जो कॉपर के वेट का हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया इनटू डेंसिटी। ये जो हमारा फॉर्मूला होता है कॉपर के वेट का, डेंसिटी जो होती है प्योर कॉपर की वो होती है 8.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गई हमारी डेंसिटी। जो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ स्ट्रैंड NOS। इसमें जहाँ D हो गया डायमीटर ऑफ कॉपर एंड NOS हो गया नंबर ऑफ स्ट्रैंड हो गया हमारा। तो अब हम आपको एक निकाल के बताएंगे कि कैसे निकालेंगे। अब इसमें हमने एज्यूम कर लिया जैसे डाया ऑफ स्ट्रैंड 0.2 एंड नंबर ऑफ स्ट्रैंड 16। तो इससे हम पहले कॉपर का एरिया निकाल लेंगे। तो जो एरिया हमारा आएगा निकल के यहाँ से वो अभी हम आपको दिखाते हैं। 0.502 हमारा एरिया आ गया और डेंसिटी हो गई हमारी 8.89। तो इसमें फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे, कॉपर वेट इन 1 मीटर का निकालेंगे हम इसमें एरिया इंटू डेंसिटी। तो एरिया हो गया 0.502 इंटू डेंसिटी होगी 8.89। तो यहाँ से हमारा कॉपर का वेट आ जाएगा 1 मीटर का 4.46 ग्राम पर मीटर। अगर हमें 1 किलोमीटर का निकालना है तो हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4.46 इंटू 1000 ग्राम पर किलोमीटर हो गया। और इसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम को, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो भी आ जाएगा 4.46 केजी पर किलोमीटर। तो ये हमारा जो 1 किलोमीटर का वेट आ जाएगा, कॉपर वेट इन 1 किलोमीटर 4.46 किलोग्राम पर किलोमीटर हो गया 1 किलोमीटर। अगर हमें ज़्यादा का निकालना है, 2 किलोमीटर का निकालना है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4.46 इंटू 2 कर देंगे तो हमारा 2 किलोमीटर का आ जाएगा। इसी प्रकार अब हमें को जितना का भी किलोमीटर का निकालना है उसी से हम मल्टीप्लाई इसकी करते जाएंगे, इसी प्रकार हमारा कॉपर का वेट आ जाएगा। तो ऐसे ही हम कॉपर का वेट निकालते हैं कि कितने किलोमीटर वायर में कितना कॉपर हमारा यूज होगा, जो उसी प्रकार से हम मंगा पाएँ अपना कॉपर। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो कम्प्लीट।